हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन, कि क्या क्या फॉर्मेशन है फ्लड प्लेन के। फ्लड प्लेन जो होते हैं उनके क्या क्या फॉर्मेशन है उसे हम अब डिस्कस करेंगे। इन दिस कोर्स ए रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लो इज बैंक्स, इट्स बैंक्स की जो कोर्स है रिवर का वो क्या करता है, वो ओवरफ्लो जाता है उसके बैंक पे। तो जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक रिवर है, ये रिवर है, ये बहते हुए जा रही, ये रिवर बहते हुए गई, रिवर बहते हुए जा रही है, तो ये बीच में क्या लाएगी, छोटे छोटे सेडिमेंट्स लाएगी। और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मान लो ये माउंटेन है, तो माउंटेन से रिवर फ्लो करेगी तो एकदम स्पीड से निकलेगी, और जहाँ पे प्लेन एरिया आएगा तो वहाँ पे क्या करेगी, वो टेंस ट्विस्ट एंड टर्न करेगी, ट्विस्ट और टेंस करेगी, वो ट्विस्ट और टर्न, तो ये वो ऐसा फॉर्मेशन करेगी। तो इससे ये मैंडर्स है उसके, और मैंडर्स से वो फिर क्या बना देगी, ऑक्सबो लेक बना देगी। जैसे ये मैंडर्स है तो फिर यहाँ पे सेडिमेंट्स लाई थी ये रिवर, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो फिर ये जो है, ये जो एरिया है इसे आप बोलेंगे ऑक्सबो लेक, और ये यहाँ से फिर रिवर ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसे ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन सबसे पकड़िए, फ्लड फ्लड माने जब बाढ़ आती है, और प्लेन जब बाढ़ आती है प्लेन जगह पे, तो उसे हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही है फ्लड प्लेन। तो जैसे कि मान लो क्या होता है, जैसे हमने ये तो हमने देख लिया मैंडस और ऑक्सबो लेक, अब फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन। फ्लड फ्लड कहाँ पे आता है, मान लो ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया हो गया, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पे फ्लड आएगा तो डिस्ट्रक्शन करेगा। तो जैसे फ्लड प्लेन्स, ये यहाँ पे मान लो ये जो रिवर है ये ऐसे फ्लो कर रही थी, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करेगी तो क्या आएगा, ये सेडिमेंट्स लेके आएगी, और वो सेडिमेंट्स ऐसे एक लाइन बना लेंगे अपनी, ऐसे उन्होंने एक लाइन बना ली। जैसे रिवर है तो वैसे बहते हुए आएगी, तो मान लो वो आगे जाके तो वो डेल्टा बनाएगी, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो रिवर है वो आएगी तो वो कुछ फॉर्मेशन करेगी, वो कुछ फॉर्मेशन करेगी। फॉर्मेशन कैसे करेगी, रिवर है वो अपना कोर्स चेंज कर देगी, ऐसे बहने लगेगी फिर वो, और बहेगी तो वो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा कर दिया उसने, यहाँ पे उसने ये सेडिमेंट्स इकट्ठा कर दिए, और मान लो इसके इधर भी पहाड़ थे और इसके इस साइड भी पहाड़ है, इसको 3D इमेजिन करो, यहाँ पे नदी बह रही थी तो इसके दोनों साइड पहाड़ है, और पहाड़ कितनी दूर में, इस एरिया से इस एरिया में, इन दोनों के बीच में यहाँ से क्या है, जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, रिवर इन दोनों एरिया के बीच में क्या कर रही है, रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करेगी तो यहाँ पे वो सेडिमेंट्स इकट्ठा कर देगी। मान लो उसने इतनी दूर में सेडिमेंट्स इकट्ठा कर लिए, तो वो सेडिमेंट्स उसने इकट्ठा किए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर रिवर का कोर्स चेंज हो गया, रिवर की किधर से बहने लगी, वो ऐसे बहने लगेगी, तो इसका भाव ज़्यादा हो जाएगा फिर रिवर, क्यों, क्योंकि इधर पहले ज़्यादा एरिया था, ज़्यादा एरिया के अंदर जो रिवर थी वो फ्लो कर रही थी, ज़्यादा एरिया के अंदर रिवर आसानी से चली जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा करने के कारण इसका एरिया थोड़ा कम हो गया, कम होने पे वो अब क्या करेगी, रिवर आएगी तो रिवर बाहर से आएगी, तब क्या करेगी, वो इतने से एरिया के अंदर से फ्लो करेगी, वो ऐसा नहीं है कि वो इधर साइड में से जाएगी, इधर जाएगी या माउंटेन के ऊपर से जाएगी रिवर, ऐसा नहीं है, रिवर जो है वो क्या करेगी, फिर एकदम सीधी जाएगी, ऐसे वो ऐसे सीधा फॉर्मेशन करेगी, ये माउंटेन था, माउंटेन से जो रिवर है वो फ्लो करेगी, और फिर यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा करने के कारण वो थोड़ी पतली हो जाएगी, और फिर वो ऐसे फ्लो करेगी, तो फिर वो ऐसे फ्लो करेगी, तो ऐसे फ्लो करने के कारण क्या होगा, ये रिवर फ्लो करेगी थी, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन बनना है इसे आप बोलेंगे फ्लड प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन ऐसे ही तो बनता है, जैसे रिवर थी हमने ये देख लिया, वो सेडिमेंट्स इकट्ठा करेगी तो वो कम एरिया कवर करेगी, और कम एरिया के अंदर वो कवर करेगी तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी लाइन बन जाएगी, ये उसकी एक लाइन बन जाएगी कि वो इस एरिया के अंदर अंदर ही बहेगी, और यहाँ पे फिर क्या होगा, ज़्यादा बहाव हो जाएगा पानी, फिर वो आगे क्या करेगा, थोड़ा स्पीड से जाने लगेगा पानी, आगे थोड़ा फिर स्पीड से जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने देख लिया फिर यहाँ पे एरिया कम होगा तो यहाँ से पानी तेजी से जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा स्लोली जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी क्या है,
बहुत ज्यादा हो जाता था, पानी पहाड़ से निकलता था तो वैसे का वैसे यहाँ पे निकल जाता था, लेकिन सेडिमेंट्स के कारण ये क्या हो गई, ये एक फॉर्मेशन बनाने लगी फ्लड प्लेन्स का। तो हमने बात कर ली फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स की, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बारे में। तो क्या क्या फॉर्मेशन है डेल्टा के, डेल्टा कैसे बनता है, तो वो सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। As the river approaches the sea, the speed of water decreases. जब जो river होती है, जब वो approach करती है, जब वो मिलती है sea के पास, जब उसका beach आता है, तो the speed of the water decreases. जब जो water speed से आ रहा था, वो क्या हो जाता है? Decrease होने लगता है. Water decreases. जो water है, वो decrease होने लगता है. River brings to break up into a number of streams. कि जो river है, वो क्या करने लगती है डेल्टा में? वो क्या करने लगती है? वो break, माने वो टूटने लगती है। वो धीरे-धीरे river जो है, वो टूटने लगती है of streams, अलग-अलग streams में। Streams कैसे? वो जो डेल्टा है, वो कैसे बनता है? वो humans की तरह बनता है। तो humans छोटे होते हैं, जब तो क्या करते हैं? जैसे हम river को साथ में लेके चलते हैं। रिवर है तो जैसे ये माउंटेन है, तो हमने पहले भी देखा था और अभी बता रहा हूँ, रिवर जो है वो माउंटेन, यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे स्पीड से रिवर आएगी और प्लेन पे धीरे हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड से आएगी। और ऐसे ही ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस जब बच्चा होता है तो वो बहुत सारा चल सकता है, थोड़ा एडल्ट एज में वो एकदम सी आता है, लेकिन जब वो बुढ़ापे में आते हैं, जैसे जो रिवर है वो बीच पे आती है, तो बीच मान लो ये बीच आ गई, तो बीच पे क्या होता है, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में वो बट जाती है रिवर ऐसे। तो वो ऐसे क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका जो माउथ है वो यहाँ पे क्या कर देती है, सेडिमेंट्स यहाँ पे भी छोड़ती है। सेडिमेंट्स के अलग अलग टाइप है, जैसे गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर जो है वो अपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है क्यों, वो कैसे बनती है, वो अपनी स्ट्रीम्स जो है, अपने जो नाके ये वाले, जिनको क्या करती है, वो अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे फैलते हैं, फैलाती है। तो ये, और ये जो फॉर्मेशन है इसका, ये फिंगर लाइट फॉर्मेशन है। ये मान लो हमारी फिंगर ऐसे होती है, तो ये भी जो डेल्टा है वो भी ऐसे ही फॉर्मेट होता है, वो अलग अलग जगहों पे जाता है। तो जैसे ये बीच पे आती है रिवर, तो वो क्या करती है, अपने धीरे धीरे जो अपनी स्ट्रीम्स है उन्हें फैला देती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये डेल्टा बनाती है। तो हम ये ह्यूमंस की तरह होते हैं, ह्यूमन जब एडल्ट एज में होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब क्या होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा बुढ़ापा आता है, तो वो थोड़े धीरे धीरे जलते हैं, और वो बहुत, उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाती है, यहाँ पे एकदम इजी लाइफ होती है, लेकिन वो बूढ़े होते हैं जब उनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। ऐसे ही रिवर जब वो बीच पे आती है तो वो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। ऐसे क्या हो जाता है, जो रिवर है वो फॉर्मेशन करती है, वो अलग अलग स्ट्रीम्स बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा। और जो टू थ्री या मान लो बहुत सारी, जो मान लो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर में क्या होती है, बहुत सारी रिवर आके मिलती है, जैसे ये रिवर आके मिल गई, ये रिवर आके मिल गई, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी माने इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोल सकते हैं, इसकी क्या हो गई, रिवर की, ये रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। तो हमने हमारा ये वाला जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये हमने दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा और इसका जो हमारा पीछे वाला टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो बाकी के जो हमारे टॉपिक है उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।